बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ब्रेड पॉकेट्स बनाने में बहुत ही आसान है। स्टफ्ड ब्रेड है जिसे हम रोल करेंगे और फिर फ्राई। बहुत ही टेस्टी ये तैयार होते हैं, एकदम क्रिस्पी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हें बनाना। ब्रेड पॉकेट्स के लिए सबसे पहले हम इनकी फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में बिल्कुल बारीक कटा हुआ एक लार्ज साइज़ का अनियन लिया है, यानी प्याज। इसी के साथ मैं इसमें बारीक कटी हुई कैबेज शामिल करूँगी, थोड़ी सी है ये। आप इसमें चॉप्ड कैप्सिकम, कैरेट शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, धनिया और 100 ग्राम पनीर जिसके बिल्कुल छोटे टुकड़े मैंने किए हैं। और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून चाट मसाला और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करें। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें मायोनीज़ शामिल किया है और 1 टेबल स्पून तंदूरी सॉस। अगर आपके पास तंदूरी सॉस नहीं है तो आप टिक्का मसाला शामिल इसमें कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये जो पनीर है इसे हम मैश करेंगे मिक्स करते टाइम ही, ये देखिए ऐसे। देखिए सब चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स की है और ये पनीर भी मैश हो गई है। इसे हम साइड में रखेंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है जिसके किनारे हम कट करेंगे। ऐसे ही सारे ब्रेड पीसेस के किनारे हम कट करके रख देंगे जिसमें हम ये फिलिंग स्टफ करेंगे। ये जो हम किनारे कट कर रहे हैं इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें हम ड्राई करेंगे, फिर इन्हें हम चॉप या ग्राइंड करेंगे। इनसे हमें ब्रेड क्रम्स तैयार होंगे, ये देखिए। और अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया है जिसके किनारे हमने कट किए थे और इसे हम बेलेंगे, जितना हो सके उतना इसे हमें बेलना है। ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। और अब मैं इसमें स्टफिंग फिल करूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने स्टफिंग का लिया है और ऐसे हम एक साइड ब्रेड के ये डालेंगे और किनारों पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ये देखिए। और अब हम इसे रोल करेंगे। बेलने से ये आराम से रोल हो जाएगी ये ब्रेड, ये देखिए। और इसके जो किनारे हैं इन्हें हम ऐसे प्रेस करेंगे साइड में, दोनों किनारे, और सारे ब्रेड के पीसेस ऐसे ही हम स्टफ करके रख देंगे। ये देखिए सारे ब्रेड के पीसेस हमने स्टफ करके रख दिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, तेल जो है गरम हो चुका है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बिल्कुल हाई हीट पे नहीं, अदरवाइज़ इनका कलर जो है चेंज हो जाएगा जल्दी ही। और दूसरे साइड से इन्हें हम पलटेंगे, ये देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। और इन्हें हम निकाल के टिश्यू पेपर पे रख देंगे। आप देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है, एकदम क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। सारे ब्रेड पॉकेट्स हमने फ्राई करके रख दिए हैं एक टिश्यू पेपर पे और अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं और इन्हें आप सर्व करें बना के किसी भी सॉस के साथ, टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। और इनकी स्टफिंग देख लें, बहुत ही टेस्टी ये तैयार होते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कश्मीरी जायका।